चलिए दोस्तों, आपको देखा था वो फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे निकलता है। फिटनेस सर्टिफिकेट निकलने के लिए आपको सबसे पहले आपका मोबाइल पे जाइए, गूगल पे या क्रोम ब्राउज़र में जाइए। जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर PARI परिवहन यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो दिख रहा है इसी पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले जो देख रहे हो ऑनलाइन सर्विसेज, इसी पर क्लिक कर दीजिए। ऑनलाइन सर्विसेज, बाद में व्हीकल रिलेटेड सर्विस, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट नेम, तो स्टेट सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे असम सेलेक्ट कर दिया है। तो अभी सिंपली आपको यहाँ पर आना है सेलेक्ट RTO, तो RTO पे आइए। आने के बाद आपका जो है वही सिलेक्ट कर दीजिए, मेरा वाला मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर शो करेगा आपको, तो शो करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोसीड पे ऊपर जो देख रहे हैं प्रोसीड, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका पास ऐसा एक ऑप्शन आया है, तो आपको यहाँ पर अभी क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर स्टेटस पर जाए। स्टेटस पे जाने के बाद स्टेटस रिप्रिंट रिसीव फॉर्म, रिप्रिंट रिसीव फॉर्म, इस पर जाए। इस पर जाने के बाद तो आपको क्या कर रहे हैं, अभी एप्लीकेशन नंबर मांग रहे हैं, तो लेकिन अब मेरे पास तो एप्लीकेशन नंबर नहीं है, तो सिंपली आपको क्या करना है, बैक कर लीजिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टेटस पे क्लिक कर दीजिए। किसी क्लिक करने के बाद रिप्रिंट रिसीव फॉर्म, रिप्रिंट रिसीव फॉर्म, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको रिप्रिंट रिसीव, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे ऑप्शन आया है। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, लास्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर भी, तो इस पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद सिलेक्ट ट्रांजेक्शन, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करके आपको टैक्स सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर आके RTO इंट पर क्लिक कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका जो गाड़ी का नंबर है तो उसी यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। AS1 हो गया, तो कैसेस नंबर लास्ट में 5 नंबर जो है वही डाल दीजिए। तो लास्ट में कैसेस नंबर जो है वो डाल दीजिए 3036 7, तो डाल दिया। डालने के बाद आपको यहाँ पर चेक करने के बाद G कैप्चा डालने के बाद शो डिटेल्स, शो डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। शो डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मिलेगा परिवहन सेवा .com, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद परिवहन सेवा, इस पर आ जाए। आने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज, इसी पर आ जाए। व्हीकल रिलेटेड सर्विस, इस पर आ जाए। आने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर RTO नंबर कितना है वही डाल दीजिए। बंगाईगांव। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पर आके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। AS, तो बाद में आपका जो एप्लीकेशन नंबर वहाँ से लाया था तो एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए। तो अपना यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। वेरीफाई पे तो क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा आ जाएगा, तो एक ओटीपी तो आपके पास ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, तो अभी जनरेट ओटीपी करना है। जनरेट ओटीपी करने के बाद तो OTP आएगा। अभी OTP आने के बाद सिंपली यहाँ पर OTP डाल दीजिए। तो बाद में आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट में क्लिक करोगे तो आपका पास ऐसा पेज देखा जाएगा, तो आप इसे प्रिंट करके रख सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट।